अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर से होंगे। आप सबको तीनवा रोज़ा मुबारक। आज मैं इसके अंडे के पकोड़े बना रही हूँ। देखो प्याज पूरा ऐसा पतले प्याज लेस काट को हूँ मैं, ये चार पांच प्याज काट को हूँ मीडियम साइज के छोटे छोटे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 स्पून आधा स्पून ये मामूली मिर्ची पाउडर, धनिया कुटा हुआ धनिया 1.5 टीस्पून ये स्पून में डाल रही हूँ मैं। हल्दी आपको आधा स्पून से भी ज़रा कम। गरम मसाला पाउडर आधा स्पून से भी ज़रा कम। एक हरी मिर्ची बारीक चॉप करके डाल लेती हूँ इसे। नमक मिर्ची तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से डाल लियो। मैं 1 स्पून डाली, 1 स्पून से ज़रा कम डाल को हूँ। यह आपको कोथिमीर बारीक कट कर लेते। चावल का पाउडर, ये चावल का आटा, मतलब ये 2 स्पून डाल रही हूँ मैं ये स्पून में। देखो इसमें अच्छा मिक्स कर लेती हूँ। पानी डालने को नमक और प्याज में पानी निकलता है। चने का आटा ये देख को डाल लियो। चने का आटा 3 स्पून डाल को हूँ मैं, कम पड़े तो फिर डाल लेती हूँ। अंडे देखो इसमें अंडे डाल रही हूँ। एक पकौड़ा बहुत अच्छा रहता है ऐसा एक टाइम बनाओ। रेसिपी स्क्रिप्ट करने को फर्स्ट से लास्ट तक का देखो, वीडियो समझ में आ जाता तुम ना कैसा बने कर को। 3 अंडे डाल लियो, ये अच्छा मिक्स कर लेंगे। ये तो अच्छा मिक्स कर को हूँ। ये आपको अंडा पकौड़ा ये देखो ऐसा मिक्स करको अंडा डाल को, पानी एक ड्रॉप पानी भी डाली नहीं मैं तुम्हें, देखे ना इसमें मिक्स करको हूँ। तेल ऑलरेडी मैं गरम को रखो थी इसमें डाल रही हूँ। ज़्यादा गरम को रखने को तेल ज़रा मीडियम गरम में डालो। अंडा पकौड़ा क्रिस्पी बहुत का तो बहुत टेस्ट रहता है। रोज़ इफ्तारी को आराम से ऐसा सभी एक एक दिन बना खाओ। फुल टेस्टी सिंपल रेसिपी पकोड़े अंडा पकोड़ा बना को देखो। इफ्तारी में ऐसा सभी बनाओ, समोसे ये सभी अच्छा रहता है। समोसे की भी रेसिपी डालो इंशाल्लाह। आज ये पकोड़े बने हूँ अंडा पकोड़ा। अच्छा दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।